Hello, friends. Welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do a very beautiful English poem, My Friend Tree. So, let's start with this lovely poem. I planted a seed one day. From the wet mud, it made its way. Out came a little sapling. I watered it by sprinkling. So, friends. आप जैसी एक प्यारी प्यारी सी ये बच्ची है वो कह रही है कि उसने एक दिन एक सीड प्लांट किया एक बीज उसने प्लांट किया और हम बीज को कहा बोते हैं यस yes, मिट्टी में तो उस मिट्टी में से गीली मिट्टी में से इट मेड इट्स वे किसने अपना रास्ता बनाया एक सैपलिंग ने एक छोटे से सैपलिंग ने सैपलिंग क्या होता है फ्रेंड्स द बेबी प्लांट विच ग्रोस विच कम्स आउट ऑफ द सीड इज नोन है एक दिन सीड प्लांट करा तो थोड़े दिनों बाद उस गीले मिट्टी में से निकला एक छोटा सा सैप्लिंग आई वॉटेड इट बा ने उसको पानी दिया स्प्रिंकल करके स्प्रिंकल यानी थोड़ा थोड़ा छिड़क छिड़क के उसने उसको पानी दिया क्योंकि बहुत छोटा सा था वो तो उसने थोड़ा पानी दिया

ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्काई जो ब्लू कलर का होता है उसको टच करने जा रहा है और उसकी जो शाइनी लीव्स थी वो बिल्कुल एमरल्स की तरह थी एमरल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स जो ब्राइट ग्रीन कलर का फ्रेश स्टोन होता है ना उसकी तरह चमकती हुई उसकी लीव्स थी और बच्ची क्यों सैड फील करा उसने क्योंकि धीरे धीरे वो प्लांट इससे भी लंबा हो गया आउट ग्रूमी मतलब कि वो मुझसे भी लंबा हो गया तो मुझे मैंने थोड़ा सैड फील करा कि अरे ये तो मेरे से भी लंबा हो गया फ्रेंड्स क्या आपने कभी कोई ऐसा प्लांट ग्रो करा है देखिए यहां पर मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूं जिसमें दिस गर्ल इज वॉटरिंग दिस प्लांट लिटिल I know इट cared फॉर मी A a companion as a friend could be, out it spreads its arms wide, standing constantly by my side. Now this girl is saying कि भाई मुझे नहीं पता था कि वो जो प्लांट है जो धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है वो मेरे लिए केयर करता है वो मेरी फिकर करता है कैसे एज अ कंपेनियन एज अ फ्रेंड वो मेरी केयर करता है उसके जो आर्म्स हैं उसने अपने आर्म्स आर्म्स यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं फ्रेंड्स ब्रांचेस को जो ट्री की जो प्लांट की जो ब्रांचेस है उसने वो अपनी फैला ली है और वो हमेशा मेरे साथ में खड़ा रहता है फ्रेंड्स हम सभी को पता है दैट द प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस तो हम सबको अपने घर में प्लांट जरूर लगाने चाहिए दिस इज हाउ इट लुक्स I love it more than my books. We talk each day, share stories too. I cherish it more than I can tell you. अब गर्ल उसको डिस्क्राइब कर रही है कि वो कैसा दिखता है वो लंबा हो गया है डार्क भी है और शेडी भी है यानी कि वो लंबा हो गया है घना हो गया है और वो शेड भी प्रोवाइड करता है क्या फ्रेंड्स आप कभी किसी पेड़ की शेड में उसकी छाया में बैठे हैं बहुत अच्छा लगता है फिर वो गर्ल कहती है कि मुझे ये पेड़ अपना ये प्लांट ये ट्री अपनी बुक से भी ज्यादा प्यारा है और हम रोज बातें करते हैं और हम अपनी अपनी स्टोरीज भी शेयर करते हैं दैट मीन्स की बच्ची उससे बातें करती थी और मैं उसको बहुत चेरिश करती हूँ मतलब बहुत पसंद करती हूँ प्यार करती हूँ मैं बता भी नहीं सकती कि कितना तो यहाँ पर फ्रेंड्स गर्ल ने उसको डिस्क्राइब करा है पेड़ को और वो उसे कितना प्यार करती है उसकी कितनी केयर करती है चेरिश यानी कि वो उसको कितना पसंद करती है केयर करती है उसे कितना प्यार करती है नाउ लेट्स रीड इट फर्दर नाउ माई बेस्ट फ्रेंड इज माई ट्री आई एम सो प्राउड ऑफ इट यू सी इट केयर्स एंड लव्स मी टू नो एंड आई नो आई कैन नेवर है ट्री जो एक छोटी लिटिलिंग इतना बड़ा होकर ये ट्वी बन गया है तो गर्ल कहती है कि मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है ये मेरा ट्वी ही है और फ्रेंड्स इस गर्ल का ही नहीं हम सबके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ट्वी हमें ट्वीज से बहुत कुछ मिलता है ट्वीज के बिना हम नहीं सर्वाइव कर सकते और गर्ल कहती है कि मैं आई एम सो प्राउड ऑफ इट मेरे को इसको देखकर बहुत प्राउड फील होता है क्यों क्योंकि गर्ल ने इसको ग्रो करा है ये मेरी केयर करता है और मुझे बहुत प्यार करता है जिसका कोई एंड नहीं है और मुझे पता है कि मेरे पास कभी भी ऐसा फ्रेंड हो ही नहीं सकता यानी कि ट्वी जो है फ्रेंड्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं डेफिनेटली ट्वीज लवर्स और हम ट्री के बिना नहीं सरवाइव कर सकते ट्री से हमें फ्रेंड्स इतना कुछ मिलता है जो सबसे बेसिक चीज है ऑक्सीजन वो मिलती है हमें अपना फूड मिलता है ट्रीज से और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं रेन रेन रेनफॉल भी ट्रीज की वजह से होती है जहां पे ज्यादा ट्रीज होते हैं वहां पे ज्यादा अच्छी रेनफॉल होती है तो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बहुत एडवांटेजेस हैं ट्री के दैट इज वाई ट्रीज आर कंसिडर टू बी आर गुड फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स दिस वॉज द पोयम बाय रोहिणी तो आज इस पोएम माय फ्रेंड ट्री से हमने बहुत कुछ सीखा फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर एक सीड जरूर प्लांट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय